नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के आर्य स्कूल के बिल्कुल सामने। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ई रिक्शा आपको दिखाई दे रही है और इस ई रिक्शा को कल रात को एक चोर द्वारा चुरा लिया जाता है। और चोर किस तरीके से, मैं आपको बता दूंगा, कैमरा सहयोगी से कहूंगा अभी आगे आकर दिखाइए कि इसके अंदर जो बैटरियां हैं, इस गरीब आदमी की ई रिक्शा की बैटरियां हैं, दोनों कितनी बैटरियां होती है इसके अंदर, चार बैटरियां चोरी कर वो फरार हो जाता है। ये देखें, ये बैटरियां हैं, ये बैटरियां गायब हो जाती है। रात को यहाँ पर पार्क के सामने वो खड़ी कर फरार हो जाता है, चोरी कर फरार हो जाता है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? सूरज नाम है जी मेरा। हाँ जी, क्या क्या पूरी कहानी क्या है, कैसे आपने घर के आगे खड़ी की, कैसे क्या वाक्य हुआ? नौरिया बाजार घर पे खड़ी की थी, चार्ज लगा रखी थी और चार्ज की तार काट के और चार्जर लॉक तोड़ के गाड़ी वहाँ से ले गए। कितने बजे की बात है? रात को 1:30-2 बजे की बात है। पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ जी, पुलिस को दरखास्त लगा रखी है सुबह और अभी यहाँ मिली है। अब आपको ये यहाँ पार्क के आगे कैसे मिली? अब मैं ढूंढ रहा था, मेरे को दिख गई और यहाँ मैंने देख के फोन कर दिया। तो चोर ई रिक्शा चुराना मकसद नहीं था, शायद में बैटरियां ले जाना उसका मकसद था, शायद बैटरी ले जाने का मकसद था, बैटरी लेकर और गाड़ी खड़ी कर गए। ये इनके दोस्त है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आप? सर, इन्होंने मेरे को फोन किया था सवेरे 6 बजे, ये कह रहे मेरी बैटरी गाड़ी चोरी होगी। मैं पार्क में मैंने दोनों 4 घंटे ढूंढी, नहीं मिली। फिर अकेला मैंने भेजा, मैं तू इधर इधर पता कर। फिर उसके बाद गाड़ी मिली, उसने मुझे फोन किया भाई गाड़ी मिल गई है, बैटरी चोरी होगी। उसके बाद मैं चलो भाई बुलाओ फिर उनको, भाई जो मालिक है गाड़ी से लेके आया, किराए पे लेके आया था बेचारा, रात को 2 घंटा गाड़ी चलाई है और सुबह रात को चोरी होगी। तो साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्क के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक ई रिक्शा है, वो खड़ी हुई मिलती है। रात को चोरों द्वारा इस ई रिक्शा को चुरा लिया जाता है और उसके बाद में चोरी करने के बाद में इनकी जो बैटरी है, चारों बैटरियां निकाल कर वो चोर फरार हो जाता है। अब यहाँ पर पार्क के आगे ये ई रिक्शा को खड़ी कर गया, अब मालिक ने इस ई रिक्शा को ढूंढ लिया, अब पुलिस शायद में आती होगी, डायल 112 की टीम को संपर्क कर लिया गया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।